वेलकम टू माय चैनल पोएट्री विद डॉक्टर कांबर। आज के इस वीडियो में मेरा लेक्चर है कि हाउ टू ओपन अ बर्ड। किसी परिंदे को, किसी बर्ड को, चाहे वो ब्रॉयलर है, लेयर है, फैंसी बर्ड है, आप उसको कैसे ओपन करेंगे। बर्ड को ओपन करना इसलिए ज़रूरी है कि हम देखना चाह रहे हैं कि बर्ड के साथ क्या मामला पेश हुआ, उसकी मौत की, उसकी डेथ की वजह क्या है। अगर आपके पास फैंसी बर्ड है, आपके पास लेयर मुर्गी है, ब्रॉयलर है, तो आप हमेशा ये जानना चाहेंगे कि आपकी मॉर्टेलिटी, आपकी बर्ड की मॉर्टेलिटी किस वजह से हो रही है। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि बर्ड को ओपन कैसे करते हैं, उसका एक्सटर्नल डायग्नोसिस कैसे करते हैं। करने के लिए आपके पास जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं भी वो सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। आप उस वीडियो को साथ साथ देखें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। पोस्टमार्टम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक एप्रन आपको चाहिए होगा, आपके कपड़े वगैरह गंदे ना हों, स्प्लैशेज वगैरह ब्लड के पानी के छींटों से बचाने के लिए आपको एप्रन की जरूरत पड़ेगी। फील्ड के अंदर तो हम इस तरह का एप्रन हमारे पास नहीं होता, आप सिंपली लैपटॉप से काम चला सकते हैं। मैं जो एक लैब के अंदर यहाँ एप्रन अवेलेबल है, तो हाउ टू वेयर एप्रन, एप्रन कैसे पहने, जस्ट आपने अपना सारी से गुजार अच्छे से आपने ये जो इसके पीछे से बेल्ट है अपने जहाँ तक आप उसको क्लोजली अटैच कर सकते हैं कर लें। नाउ यू आर रेडी, आपने पहन लिया। इसके बाद हमें चाहिए एक अगर मास्क, सर्जिकल मास्क, कोरोना वायरस की वजह से सबको ही पता है मास्क कैसे पहनते हैं, मास्क पहनेंगे आप। ग्लासेस वाले बंदे को थोड़ा मसला होता है कि जब हम मास्क के अंदर सांस लेते हैं तो हमारी ग्लासेस के आगे जो है फॉग आना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम पहनेंगे ग्लव्स, आप इसमें लेटेक्स ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ज़रा उससे एलर्जी है, तो ये शॉपर के पॉलिथिन के ग्लव्स जो हैं ये मैंने डबल ग्लविंग की है, ये दो ग्लव्स पहने हैं एक हाथ के ऊपर। उसके बाद आपको एक सीजर शायद अच्छा पेयर चाहिए बोर को काटने के लिए और मसल्स को काटने के लिए। आई हैव टू नीड, यू आर इन नीड ऑफ टू सीजर्स, ये मेयो सीजर्स हैं जिससे आप बोन को ईजिली काट सकते हैं और ये इससे आप मसल्स को, स्किन को ईजिली आप उसको डायसेक्टिंग, यानी कि ये सीजर्स हैं जिससे आप उसको डायसेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सीजर्स आ गई, सीजर्स के बाद हमें थोड़ा सा पानी चाहिए ऑर्गन्स को वॉश करने के लिए। बर्ड जो मॉर्टेलिटी हमारे पास आती है उसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बाद जब हम उसको स्किन को काटते हैं, डायसेक्ट करते हैं, तो डस्ट हमारे तरफ से कपड़ों पे या सामने वाले बंदे पे, इसलिए पानी की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा उसको गीला करेंगे, गीला करके फिर हम उसको डायसेक्ट करेंगे। आए हम अब देखते हैं कि बर्ड को ओपन कैसे करेंगे। उसका पहले हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसकी मॉर्टेलिटी किस पोस्चर के अंदर हुई, उसकी जो ऊपर वाली स्किन है, फैदर्स हैं, उसको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद उसको ओपन करेंगे बर्ड को। सबसे पहले तो हम देखेंगे बर्ड को बाहर से कि उसकी डेथ कैसे है। इस बर्ड की डेथ इस तरह हुई है कि ये बिल्कुल तो के ऊपर शेड के अंदर ये इस तरह इसकी, यानी कि ये मरा है परिंदा, कि काफ़ी देर ये तो के ऊपर पड़ा रहा है। जब हम इसको टर्न ओवर करेंगे तो ये आप देखिए इसकी चेस्ट के ऊपर ये सारे जो फर है इस पर ये तो वगैरह लगी हुई है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके बर्ड की डेथ किस पोस्चर के अंदर हुई है, हमें उस पोस्चर से भी बेशुमार डिजीज़ का आइडिया हो जाता है। तो जब बर्ड इस तरह पीछे को टांगे करके यूँ मरता है तो ज़्यादा केसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो एक ऑप्शन आती है डिजीज़ की वो ये कि कंगोरो के केस में तो नहीं है बर्ड। उसके बाद फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम फीट देखेंगे कि बर्ड जिस, वैसे हमें इसकी चेस्ट के ऊपर लगे हुए बुरादे से आइडिया हो रहा है कि बुरादे की कंडीशन अंदर बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है बुरादा और उसकी रैकिंग प्रॉपर नहीं हो रही। वैसे ये बर्ड इस वक्त 35 डेज़ का है, अमूमन इन डेज़ के अंदर रैकिंग वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन खुश बुरादे का छिड़काव चलता रहता है शर्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके फीट को। फीट का एग्जामिनेशन करने का मकसद ये है कि हमें इससे भी बुरादा, अगर यहाँ पे हमें कोई बुरादे का आइडिया ना हो, यानी उसकी तो का या उसके लेटर का, तो हम फिर यहाँ देखते हैं कि आया कि इसके जॉइंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोनों फीट को अगर हम देखें तो
हमें जॉइंट्स को देख के नहीं लग रहा कि बुरादा कहीं पे गीला है, इट मीन्स मोटलिटी कहीं पे अगर हुई है तो वहाँ काफ़ी देर ये परिंदा पड़ा रहा है, उन्होंने उठाया लेट है, इस वजह से फिर ये कंजेशन जो चेस्ट के ऊपर। पाँव चेक करने के बाद हम फिर इसको वेंट एरिया देखेंगे। वेंट एरिया को हम थोड़ा सा प्रेस करके, अगर बाहर इसके तो बाहर बीट लगी हुई है, हमें बीट का कलर पता चल रहा है कि ग्रीनिश कलर की इसने बीट की थी और कुछ बुरादा भी इसके साथ मिक्स हो गया है। वैसे हम वेंट को दोनों अंगूठों के साथ प्रेस करके देखेंगे कि आया कि हमें उसमें जो मटेरियल है, जो पीसेस हैं, वो वाइट कलर के हैं, येलो कलर के हैं या ग्रीनिश कलर के हैं, या नॉर्मल उसका कोई कलर है, कोई टेक्सचर है, हमें उससे आइडिया हो जाता है। बाद में खोल के भी हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसको ओपन करने के बर्ड को दो तरीके हैं पोस्टमार्टम के। एक तरीका यह है कि हम इसको नॉस्ट्रल्स की तरफ से ओपन करें, दूसरा तरीका यह है कि हम इसको एब्डोमेन से ओपन करें। हम इस बर्ड को नॉस्ट्रल्स की तरफ से ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे इसकी आइज़ को। आइज़ को चेक करने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात अंदर नमूनिया ज़्यादा हो बर्ड का शेड के अंदर, अभी जैसे कि ये बुरादा गीला है तो अंदर डेफिनेटली गैस बन रही होगी, उसमें नमूनिया गैस ज़्यादा होती है तो आइज़ की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम दोनों आइज़ को देखा है, आइज़ इसकी परफेक्ट हैं। उसके बाद हम इसके दोनों नॉस्ट्रल्स को प्रेस करके देखेंगे। जी, इसमें म्यूकस है इसके अंदर, दूसरी तरफ से अगर प्रेस करें तो इसमें म्यूकस है। बाज़ औक़ात हम इसको अगर प्रेस करने से ना निकले तो हम बीक को यहाँ से काटते हैं, तो उसमें जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमें फिर भी ये म्यूकस आ रहा है, इट मीन्स कि इसके ट्रेकिया के अंदर म्यूकस की मकदार होगी। फिर हम इसको इसके माउथ को ओपन करेंगे। माउथ को ओपन करके हम देखते हैं टॉक्सिसिटी के केस में इसके मुंह में छाले बन जाते हैं। दूसरा मकसद ये होता है हमारा देखने का कि ये बर्ड ने फीड जो है वो खाई थी या बुरादा खाया था। बाज़ औक़ात बर्ड अगर यानी ऑफ फीड हो और उसके बर्तन वो ढीला हो जाए और वो बर्तनों तक ना पहुंचे तो वो बुरादे में या तो के अंदर मुंह मारना शुरू कर देता है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, इसका माउथ क्लियर है, टंग के ऊपर भी ऐसा कोई हेमरेज या छाले वगैरह नहीं है। अच्छा, इस तरफ से अगर हम ओपन करते हैं तो ओपन करने का मकसद ये है कि यहाँ पर ट्रेकिया, इसोफेगस यानी इसकी सांस की नाली और खुराक की नाली दोनों हमारे सामने होंगे, हम अच्छे से उनका जो है ना रिव्यू कर लेंगे। इसकी स्किन को यहाँ से हम टियर डाउन करेंगे, काटेंगे। अच्छा जी, ये इसका विंड पाइप है ट्रेकिया। ट्रेकिया देखने से लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रेडिश है। अच्छा, ट्रेकिया को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर अगर कोई हल्का फुल्का म्यूकस है तो वो नॉर्मल होता है, अगर म्यूकस ज़्यादा हो, पीले रंग का हो, तो वो थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, कट लगाएंगे। ये देखिए, अंदर से ट्रेकिया बिल्कुल जो है ना रेड हुआ हुआ है। ये रेडिश उस वजह से होता है कि अगर बर्ड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो अपने लंबे लंबे सांस ले रहा है या हीट की वजह से लंबे लंबे सांस ले रहा है, तो बस देखेंगे ये खुराक की नाली। अच्छा, इसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विटामिन, एक तो हम देखेंगे कि टॉक्सिसिटी के केस में भी इसके अंदर छाले वगैरह आ जाते हैं। ये है इसका इसोफेगस, खुराक की नाली, फूड पाइप हम इसको बोलते हैं। अगर इसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो बर्ड्स के अंदर, जो अमूमन के एक नॉर्मल केस है, उसमें इसके अंदर वाइट पैचेस बन जाते हैं, दाने दाने से बनना शुरू हो जाते हैं। अगर टॉक्सिसिटी का इशू है यानी माइकोटॉक्सिन्स हैं बर्ड के अंदर, तो यहाँ पे छाले बनना शुरू हो जाते हैं और ये लाल होना शुरू हो जाता है। यहाँ से भी हम ये दो चीज़ों को। अच्छा जी, अब हम एब्डोमेन को इसके ओपन करेंगे, यहाँ से स्किन काटेंगे और चेस्ट को एग्जामिन करने के लिए इसकी स्किन को यहाँ से फील करेंगे। अब चेस्ट के मसल्स को देखें, इस बर्ड की जो डेथ है, ये चेस्ट, ये मरा छाती के बल है, इससे यहाँ पे ब्लड जो है उसकी कंजेशन हुई हुई है। ये हमने इसका गाउन ओपन किया, सबसे पहले आपको इसमें लिवर नज़र आएगा, इसका जिगर, लिवर के बाद आपको ऊपर इसकी छाती के अंदर हार्ट नज़र। आज की वीडियो में हमने बर्ड का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया, उसका बर्ड को ओपन करने का तरीका सीखा है।
इसको आज हम यहीं तक रोकेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।